दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार की देर शाम सिवान में बदमाशों ने एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ की है। आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश पहुंचे और गोली मार दी। आरिफ जमाल की फास्ट फूड की दुकान है। यह घटना रात 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। आनन फानन में आरिफ जमाल को घायल अवस्था में लोगों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में हुसैनगंज थाना अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि आरिफ जमाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिली कि वो दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली उनके पेट में लगी थी। स्थानीय लोग और परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि बदमाशों ने आरिफ जमाल के पेट में एक ही गोली मारी है। घटना के बाद लोग पहले उन्हें सदर अस्पताल लेकर गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में लेकर चले गए। निजी अस्पताल में ही उनके मौत की पुष्टि हो गई। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि आरिफ जमाल 2015 में नेशनल जनता पार्टी से रघुनाथपुर का विधानसभा चुनाव लड़े, जहां अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, जो कि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। हार हुई। उसके बाद 2022 में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, जहां उनकी हार हुई थी। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी है। असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बड़े नेता सिवान में जाने जाते थे आरिफ जमाल, जिनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ की ये घटना है। शनिवार के देर शाम की ये घटना है, जब आरिफ जमाल अपने दुकान पर बैठे हुए थे, इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश पहुंचे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आरिफ जमाल की फास्ट फूड की दुकान है। घटना शनिवार की रात 8:30 से 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश जो है वो फरार हो गए। आनन फानन में आरिफ जमाल को घायल अवस्था में लोगों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ की है, जहां वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, इस दौरान बाइक सवार अपराधी पहुंचे और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आरिफ जमाल 2015 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसर एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP ट्राइल्स के समीप स्टेशन रोड मेरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। नेशनल जनता पार्टी से रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव लड़े थे,
जहां उनकी हार हुई थी, वहीं 2022 में उन्होंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर वे बदमाश कौन थे जिन्होंने आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या की। हत्या के कारणों की भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर किस कारण से, किसके द्वारा आरिफ जमाल की हत्या की गई है। जो AIMI के जिला अध्यक्ष थे आरिफ जमाल साहब, उनका अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई है। आप सदर अस्पताल में पहुंचे हुए, क्या कुछ कहिएगा? हम एक अमन चैन पार्टी के लिए जो हुआ तो हो गया, सबसे बड़ा बात है किसी भी पार्टी के लिए एक घटना दुखित है और इस पर घटना नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है अपराधी जो है क्या बेलगाम हो चुके हैं? अपराधी का जो है लगाम होगा, अभी जो घटना हुई है किस घटना से जोड़ा जाए हमको खुद पता नहीं है। और पॉलिटिशियन है विवादित जमीन का एकता में तभी जंगल नहीं हो, ये है कि इसका छानबीन होना चाहिए और अरेस्टिंग होना चाहिए। कुछ कहेंगे जो आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या हुई है? देखिए, हम लोगों के अच्छे मित्र रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम है और प्रशासन इस पे काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, अपराध बढ़ेगा भी क्यों नहीं, अपराध बढ़ने का कारण है कि जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनके मन में डर खत्म है, उनको लगता है कि अभी हम अपराध करके जा रहे हैं और हमारे आका बैठे हुए हैं हमको छुड़ाने के लिए। तो पहले निश्चित रूप से नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे थे, अपराधी प्रशासन को देख के भाग रहे थे, लेकिन अभी प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और प्रशासन के क्या कहें, मैंने कंधे पर बैठ के ये अपराध हो रहा है, ये मैंने जंगल राज सू के तरफ निश्चित रूप से यह बिहार जा रहा है। इस पर प्रशासन और नीतीश कुमार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और सरकार से हम मांग करते हैं कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दे। छोटे छोटे बच्चे हैं और यह बेसहारा और मासूम अभी छोटे छोटे 10 साल और 8 साल के बच्चे हैं, इनका अभी कोई नहीं है। क्या सरकार का मांग करेंगे हुई है कुछ इस परिवार को उचित मुआवजा मिले? किन कारणों से हत्या हुई है कुछ स्पष्ट जानकारी? देखिए, ये तो अपने दुकान पे बैठे हुए थे तो कारण क्या बताया जाए। दुकान पे और घर में जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो अब कहाँ सुरक्षित रहेगा। और अपने बाजार और अपने घर के पास दुकान खोले हुए हैं अपने जीविका चलाने के लिए, और वहाँ आदमी एकदम बिना सुरक्षा का बैठा हो और कोई आए बिना पूछे गोली चला दे, तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार और सिवान कहाँ जा रहा है। AIMI के अध्यक्ष है, उनको गोली मार दिया गया है उनके होटल पे। सुनकर हम लोग आए हैं, जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। जाकिर जी, इससे पहले कोई इनकी दुश्मनी वगैरह इस तरह से किसी की है क्या? ये तो हमें मालूम नहीं है किसे दुश्मनी है, बगैर मान लीजिए कि दुश्मनी किए हुए कोई कैसे मार सकता है। अच्छा, घर वाले या कोई भी स्थानीय लोग आए हैं वो लोग ये नहीं बता पा रहे कि कितनी की संख्या में अपराधी थे? हमें वहाँ मालूम हुआ, लोगों से मालूम हुआ, पब्लिक से मालूम। क्या कुछ अपराधियों की पहचान इस तरह की हुई है? तीन लोग थे, तीन गोली चली है वहाँ पे। कैसे थे अपराधी? दो हवाई फायरिंग किया है लोग, एक गोली उनको लगी है, देखते हैं क्या होता है। एक गोली लगी है, कहाँ लगी है? पेट में लगी, पेट में लगी, पेट में लगी। अभी कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी सनवा साहब यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद से वो देखिए कहाँ बोलते हैं जाने। क्या खतरे से क्या कुछ बाहर बताए जा रहे हैं? हाँ, कमरे से बाहर देखिए।